कामयाब हो गया। हा, महारानी कालेंत्री को इसकी खबर देनी होगी। हाँ, आज की ब्रेकिंग न्यूज, यूके से इंडिया आने वाली फ्लाइट में हुआ हादसा, लिडली में हुई क्रैश, तो आज हम वहीं पर आ चुके हैं, तो हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे सब कुछ। हाँ, तो यहाँ पर हुआ था हादसा, यहाँ से सारी डेड बॉडीज उठा ली गई हैं, और बहुत ही भयानक हादसा हुआ था, किसी ने सोचा नहीं था। अब ये जांच चल रही है कि आखिर हादसा हुआ कैसे। कैमरा बंद करना जरा। वैसे काफी हादसा भयानक हुआ था, काफी भयानक हादसा हुआ था, लगता है यहाँ पे पूरा एक्सप्लोर नहीं किया गया। अरे, रोने की आवाज, ये तो बच्चे हैं, ये यहाँ पे कैसे आए? ये किसके बच्चे? ये तो राज के बच्चे हैं। क्या वो भी इस फ्लाइट से आया था? मतलब कि वो, मैं इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती, मैं इन्हें पालूंगी। और इनका भाई, उसकी क्या हालत होगी? मैं इन्हें लेके जाती हूँ, चुप हो जाओ। चलो, ये इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे डॉल्स छूने की? अब बताओ, तुमने डॉल्स क्यों छुई? इसकी डॉल्स ही तो छुई है, कहीं इसकी जान थोड़ी ना ले ली। पता नहीं क्यों चिल्ला रही है। तुम लोगों की बाहर भी लड़ाई शुरू हो गई, चलो अंदर। अरे मम्मी, तुझको तो, हाँ मैं भी देख लूंगी। हाँ, तुम दोनों जल्दी आ रही तो बताऊंगी। चलो प्रणाम महारानी कालेंत्री जी। प्रणाम प्रणाम, आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? मैंने उनका प्लेन क्रैश कर दिया। लगता है इसको बहुत बुरा सदमा लगा है। ओ, हमको लगता है इसने पहली बार कोई अच्छा काम किया। वो तो 18 साल पहले, तुझको मुझे कितनी बार बताना पड़ेगा कि वो 18 साल पहले क्रैश हुआ था? उसका गुणगान गाना बंद कर दे। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। पापा बिल्कुल आप ही के जैसे दिखते थे। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हैं। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम ऐसी बातें ना किया करो। अरे, मेरे सारे बच्चे मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं? खिचड़ी पक गई है मम्मी, आप खाना चाहेंगी तो खा सकती हैं। तुम लोगों को तो मैं क्या करूँ। अंधेरा कायम रहे महारानी कालिंत्री। हाँ, अंधेरा कायम रहे। आज तुम यहाँ महारानी, आपकी सेवक होना बहुत ही सौभाग्य का काम है, और काली सेना में आना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य का काम है। मैं चाहती हूँ कि क्या मैं आज किसी को ख़त्म कर सकूँ, बड़ा मज़ा आता है। अरे, तुम्हें इस पे कोई पूछने की बात? जो करना हो करो, ये पूरा साम्राज्य हमारा ही है। साम्राज्य क्या, ये पूरा संसार हमारा है जी। महारानी कालिंत्री जी, अंधेरा कायम रहे। हाँ, काली सेना का सदस्य होना तो बड़ी सौभाग्य की बात है। रोज रोज किसी का मर्डर करने को मिलता है। हा, 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 हा। आज कौन से घर में जाऊँ? हाँ, ये घर बढ़िया है। ये कौन है? पता नहीं बहन। तुम कौन हो? चली जाओ यहाँ से। मैं काली सेना की सदस्य हूँ, क्या तुम मुझे नहीं जानते? क्या ये काली सेना का सदस्य है? इसी ने तो राजकुमार था। चली जाओ, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चली जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे चली जाऊँ? मैं तुम्हें मार के ही जाऊंगी। नहीं, हम तुम्हें इन्हें नहीं मारने देंगे। बेटा, इनसे कुछ मत कहो। इन्हें तुम्हारे, मैं क्या कहने जा रही हूँ, नहीं कहूंगी मैं। क्या कह रही हैं आप, माँ हमें बताइए। नहीं नहीं, अब ये क्या कहेगी जब ये कुछ कहने लायक ही नहीं बचेगी। माँ, आप ऐसा क्यों कर रही है? मैं इसे सबक सिखाना। बेटा, इसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। नहीं बेटा, इसको मत मारो। तुम लगता कुछ कर भी नहीं सकते मेरे। ये तुमने क्या कर दिया, एक साथ हाथ उठा दिया। ये मुझे क्या हो रहा, ये मुझे क्या हो रहा, मैं कहाँ जा रही हूँ? माँ, हमने ये कैसे किया? कार्तिक बेटा, तुम लोगों की मम्मी पापा को ये कालिंत्री ने मारा है। पर माँ, कालिंत्री कौन है? हाँ माँ, ये कालिंत्री कौन है? कालिंत्री एक बुरी आत्मा है जो कि इस पूरे संसार में राज करना चाहती है। उनको सिर्फ तुम ही मार सकते हो। हाँ कार्तिक बेटा, कृति और कुसुम का ध्यान रखना मेरे जाने के बाद। उन्हें किसी भी चीज की कमी मत होने देना। माँ, आप हमारी असली माँ नहीं थी, पर आपने हमें माँ से ज्यादा प्यार दिया है। हम आपको ऐसे नहीं जाने दे सकते। और बेटा, मेरा समय आ गया है।